जींद का उपचुनाव क्यों आवश्यक है? जींद के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी आपका आशीर्वाद, जो मेरे भाई सामने खड़े हैं वो, मेरी माताएं बहनें, मेरे सामने नौजवान बुजुर्ग जो हैं वो, हमें आप अपना आशीर्वाद क्यों दें? जींद के उपचुनाव का मतलब क्या है? मैंने एक बाबा से रास्ते में उतर के पूछा, वो बोले बेटा ये एमएलए बनेगा इस चुनाव में से। मैंने कहा बाबा आपकी उम्र ज्यादा है मेरी कम है, आदरणीय स्वामी जी मौजूद हैं हमारे, बहुत आदरणीय जो हैं। मैंने कहा जींद का उपचुनाव एमएलए बनाने का कोनी साहब, इस चुनाव से हम एमएलए का चुनाव नहीं कर रहे। एमएलए तो आप हर पांच साल में चार साल में बनाते हो, ये उपचुनाव जैसा इस मंच से कहा जा रहा था, हरियाणा के भाग्य का फैसला करेगा, कांग्रेस पार्टी की सरकार की नींव रखेगा। ये उपचुनाव हमें ये मौका देगा कि जीन जो उपेक्षित है, जीन जो भेदभाव का शिकार है, जीन जो पिछड़ेपन का शिकार है, जीन जो रोटी रोजी के अभाव का शिकार है, उसके अंदर नया दीपक, नई रोशनी, नया रास्ता, जिंदगी बदलने का रास्ता हम किस प्रकार से बना पाए। मेरे बुजुर्गों साथियों, ये गांव मेहनत कश लोगों का गांव है। इस गांव में एक एक परिवार वो है जो पेट और पीठ एक करके रोटी कमाकर अपना जीवन व्यतीत करता है। ये गांव वो है, उन गरीबों का गांव है जो इस देश की और प्रदेश की इबारत लिखते, किस्मत लिखते। मैं आपको कहने आया हूं, इसी मिट्टी के अंदर मैंने भी जन्म लिया, जो ये मेरे नौजवान बड़े और छोटे भाई यहां हैं जिन्होंने जन्म लिया, ये चमड़ी, ये हाड़, ये मांस, ये खून, ये कोशिकाएं, ये आपके संस्कृति और संस्कारों की देन है। विधायक में 26 साल 25 साल पहले बन गया था, 25-26 साल की उम्र में मैं विधायक बन गया था आपके आशीर्वाद से, नरवाना से, और 26 साल में 5 बार चुनाव जीता, 1 बार ओम प्रकाश चौटाला ने झूठा सर्टिफिकेट ले लिया, 4 बार औपचारिक तौर से मैं चुनाव जीता। मैं आपको आज केवल ये कहने आया हूं, विधायक आज भी मैं आपके आशीर्वाद से हूं, आपके कर्म से हूं, आपके रहमो कर्म की वजह से आज भी मैं विधायक हूं। ये चुनाव विधायक बनाने का नहीं, ये चुनाव जैसा मेरे भाई कह रहे थे, ये चुनाव राज बनाने का है, और उस राज को गांव की चौपाड़ में आपकी ड्योढ़ी पर लाकर भाइयों खड़ा करने का। क्या ये सही नहीं कि वर्षों से जींद जिला, जींद की विधानसभा का हलका केवल राजनीतिक संघर्ष की भूमि बन के रह गया? चौटाला परिवार के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो आज भी ये कहते हैं कि ये संघर्ष की भूमि है। मैं ये कहता हूं, आपका बेटा जिसने इस धरती में जन्म लिया, जिसकी रगों में आपकी संस्कृति और संस्कार दौड़ते हैं, जिसकी रगों में आपका लहू दौड़ता है, मैं आज आपको कहने आया हूं, संघर्ष की धरती को अब सत्ता की धरती में बदलने का समय आ गया। कोई भी आए, अपना लंगोट खोले, जींद में रैली करे, जलसा करे, राज बनाए, चला जाए, क्यों हमने ठेका उठा रखा है सबका राज बनाने और बदलने का? हमारे बच्चों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे किसानों को, हमारे गरीबों को उस राज के अंदर हिस्सा कब मिलेगा, ये प्रश्न है। प्रश्न अकेला सत्ता बनाने या बदलने का नहीं है, प्रश्न ये है कि आपको हर बार जब जींद में दंगल सचता है, चौधरी देवीलाल जी ने सजाया, आज वो स्वर्ग में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कई कई बार बन गए, ओम प्रकाश चौटाला जी तो 6 साल यहीं से मुख्यमंत्री थे, 6 साल में 6 रुपए का काम किया हो लोकदल पार्टी ने, दोनों में से किसी लोकदल पार्टी ने तो बता दीजिए, 6 साल मुख्यमंत्री इस जिले से रहे, 6 साल में 6 रुपए का काम करके नहीं गए, केवल 11 के करीब, 10 या 11 आदमी सही कह रहे हैं भाई साहब, जींद जिले से बदला लिया, दर्जनों लोग कंडेला, गुड़कड़ी, भैंड के अंदर मरवाए, फिर नरवाना में गोलियां चलाई,
नरवाना पर कबाइलियों की तरह कब्जा किया, वहां से आपके अजीज ने कब्जा छुड़वाया तो उचाणा में जाके कब्जा कर लिया, और अब उचाणा से भी मंजीत भाई, अब वो धीरे 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 मंजीत सैनी जी अब वो आपके शहर में आ गए हैं। कोतरी अगर घर पे बैठ जाए तो उसका नुकसान करके जाती है, कभी फायदा नहीं करके जाती, कोतरी ना बिठा लीजिए यार। सही होगी मेरी बात, गलत है जी? इसलिए मैं केवल एक बात कहने आया हूं, जीन अनदेखी का शिकार रहा है, जीन पिछड़ेपन का शिकार रहा है। खट्टर साहब ने 4 साल 9 महीने कुछ नहीं किया, अब जब सरकार जाने लग रही है, 90 दिन रह गए, तो कहीं कहीं रोड़े बगाने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे कुछ होने वाला नहीं। आपकी अगर मंशा थी तो जीन यही था, आप आते, सेवा करते, काम करते। मिड्डा साहब 2 बार रहे, उनका स्वर्गवास हो गया, हम उनका बड़ा आदर करते थे, परिवार के सदस्य की तरह मानते थे, पार्टियां चाहे अलग थी, परंतु उनसे भी कुछ नहीं हो पाया। इसलिए मेरे बुजुर्गों, साथियों, नौजवानों, माताओं, बहनों, ये आपका भाई केवल आपको एक बात कहने आया है, जीन के अंदर विकास की नई डोर जोड़ कर दिखाऊंगा। जीन आज एक तरफ से दूसरी तरफ तक सारा टूटा पड़ा, आप पटियाला रोड से शुरू कर लीजिए, कैथल और नरवाना रोड से शुरू कर लीजिए, और उधर रोहतक रोड तक चले जाइए, कुछ साबता है जी? या तो जेसीबी से पाड़ रखा या फिर टूटा पड़ा। चीन का अस्पताल बीमार है, 56 डॉक्टरों के पद स्वीकृत है, 15 डॉक्टर भी काम नहीं करते, हमारा इलाज कैसे करेंगे? स्कूल में मास्टर नहीं, कॉलेज में प्रोफेसर नहीं, स्टेडियम में कोच नहीं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं, खंभों में बिजली नहीं, पीने का पानी नहीं, नहर के पानी का इंतजाम नहीं, और 700 के करीब कच्चे कर्मचारी हैं, जो जीन में कोई कंपाउंडर है, कोई सफाई कर्मचारी है, उनकी लिस्ट मंगवाई मैंने इन भाइयों को कह के, उनमें से 652 का जीन का एड्रेस नहीं। मैं आपसे पूछता हूं, अगर ये हमारे बच्चों को 9,000 रुपए की चपरासी, सफाई कर्मचारी, कंपाउंडर और फाइल पकड़ाने वाली नौकरी के लायक नहीं समझते आपके बेटा और बेटियों को, तो फिर हमारे बच्चे डीसी, एसपी, डीएफएससी, डीएफएस, आगे इंस्पेक्टर, इंजीनियर, वो कब बनेंगे? और इसीलिए मैं आपको ये कह रहे आया हूं, नौजवानों, नए 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 भाग्य की शुरुआत कीजिए, आपके भाई के अंदर ये ताकत है, हम किसी का अधिकार नहीं छीनेंगे, ये जीन की संस्कृति का हिस्सा है नहीं, हम ले ही नहीं सकते किसी का अधिकार, हम तो देन जानते, हम लेते कभी नहीं किसी से। और इसलिए जब लिस्टें आएंगी, अगर कोई आपका अधिकार छीन लेगा ना, आपका भाई छाती अड़ा के छीन के ले आएगा, कोई लेके नहीं जा सकता। पूरे जींद को, वो रोहतक हो, वो कैथल हो, वो करनाल हो, वो कुरुक्षेत्र हो, आपके साथ मिलके करूंगा, आपसे पूछ के करूंगा, आपकी राय से करूंगा, एक एक समाज, गरीब से गरीब समाज की सबसे पहले मदद करूंगा। पूरे जींद का नक्शा नए सिरे से, अपनी कलम से, आपकी दी हुई कलम से लिखूंगा, आपकी राय से लिखूंगा। और अगर आपको यह लगता है, अगर आपको यह लगता है 4, 5, 6 उम्मीदवार मैदान में, एक चाचा भतीजा, उनका काम, भाई साहब कह रहे थे उनका काम तो भाई साहब एक दूसरे को गाड़ देना, चाचा भतीजे को गाड़ दे, भतीजा चाचे को गाड़ दे, आप क्या नहीं पड़ा बीच में लड़न दो। हम तो ये तो कह सका भाई ना लड़ो, फिर उन 2 सांड, वो 2 खागड़ अगर राजस्थान से आके यहाँ लड़े, हमको स्वामी जी क्या लोड है छड़ाने की, खाम का मारा और सिंह मारेंगे छड़ावेंगे। तो इसलिए मैं आपको केवल ये कहता हूं, मेरे बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अगर आपको ये लगता है कि आपका भविष्य, जिन जिले का भविष्य कांग्रेस पार्टी और रणदीप सिंह सुरजेवाला के हाथ में सुरक्षित है, आज दादा खेड़ा, आज शाम को जब आप सोए तो दादा खेड़ा को याद करके रिजाई ओढ़कर उस परम पिता परमात्मा से एक बात पूछिएगा कि आपको क्या विश्वास है कि रणदीप आपका काम कर सकता है, जीन जिले की शक्ल बदल सकता है। और अगर आपको यह लगे कि वो नाम रणदीप का है, तो
तो मेरी मदद करिएगा, क्योंकि जींद और अपना गांव मुझसे बड़ा है, मैं गांव से छोटा हूं। इलाके की तस्वीर बदलने वाला चाहिए, आपको विधायक नहीं चाहिए, आपको इलाके की तस्वीर बदलने वाला आदमी चाहिए, आपको रोटी रोजगार पैदा करने वाला आदमी चाहिए, आपको पीने के पानी का इंतजाम करने वाला आदमी चाहिए, आपको आपको गमा सड़क चौपाड़ पुल सारा इंफ्रास्ट्रक्चर नए सिरे से बनाने वाला आदमी चाहिए। इसीलिए मैं हर बार कहता हूं, पंडित जी मुस्कुरा रहे थे एक दिन जब मैंने कहा मैं जन्मजात किसान हूं पर पेशे से मिस्त्री हूं और मुझे दूसरा काम नहीं आता। ये खड़े मेरे साथी ये हमेशा मुस्कुराते हैं हर बार जब मैं ये कहता हूं, मैं पेशे से मिस्त्री हूं क्योंकि मुझे बनाना आता है। चौटाला के पोते कहते हैं हम बदला लेने आए हैं, मैं ये कहता हूं हम बनाने आए। खट्टर साहब कहते हैं हम लड़वाने आए, मैं कहता हूं मैं जोड़ने आया। वो कहते हैं हम तोड़ने आए, मैं कहता हूं मैं संवारने आया। हमको बदला लेने वाले चाहिए, तोड़ने वाले चाहिए, लड़वाने वाले चाहिए या बनाने वाले चाहिए, यह फैसला आपने करना है। एक एक वोट अपने गांव की जो आप हाथ के पंजे के निशान के आगे दबाकर रणदीप को और कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाएंगे, वो इस गांव और इस इलाके के लिए एक नए भविष्य की शुरुआत करेगा। सारे गांव को राम राम, जय हिंद।